मुस्लिम वोट ज्यादा पड़ा या हिंदू वोट? मुस्लिम बहुत ज्यादा पड़ा जी, 61% में मुस्लिम वोट ज्यादा। मुस्लिम ज्यादा हुआ तो ऐसा क्यों? हिंदू हमारी खुद की तीन की वोट में एक एक डर गया। अच्छा, मैं खुद ही डाल गया एक ही वोट। तो क्यों नहीं डाल गया आप वोट? हमारी मैडम जा रही थी बाहर, हमने हम खुद एक ही डाल गए। ये तो गलत हुआ, बीजेपी की वोट थी तो आपकी है। हाँ, मैं खुद ही एक वोट डाल गया अपनी। तो इस यहाँ पर एक और शॉप है, जरा इनसे बात करें। क्या नाम है सर आपका? जैन साहब, क्या मामला लग रहा है कि वोट तो डल गया आपके क्षेत्र में केरल लोकसभा में, अब किसका समीकरण पूछ रहा? टक्कर दोनों की है। प्रदीप की। अच्छा, और हार जीत भी 5-4 हज़ार में होगी। कितने हजार में? 1000-2000 में होगी बस। केजरीवाल वाले जुमले वाले हैं तो। अच्छा, जुमला खोर हैं कि जैसे लेमचूस केजरीवाल पकड़ा रहे ऐसे उन्होंने पकड़ा दिया। और रही यहाँ के चेयरमैन साहब की, अच्छा वो भी बताइए। हमारे मोहल्ले में पहले गाड़ी आ रही थी कूड़ा उठाने वाली, वो नहीं आ रही। क्यों? गाड़ी तो सब जगह घूम रही। नहीं, घूम तो रही सीरा। मेरे ख्याल से जो हमारे पूर्व मेंबर साहब हैं लड्डे, उनके घर तक आम वापस निकल जा। नहीं, अंदाजा कुछ नहीं। कितने वोट से लग रहा है समीकरण? अब बताओ इसका क्या अंदाजा? आईडी पिछली बार 92 से जीते थे, 92,000 लगभग। अब 10-5 हज़ार कमती बत्ती से हो जाएंगी। कमती बत्ती रहेगा, वो कमती बत्ती हो सके। फिर पिछली दफे तो हमारे जैन चौधरी साहब भी दूसरी तरफ थे, और दूसरी तरफ होने की वजह से 92,000 जीते। अब तो हमारा गठबंधन है इनसे। हाँ, तो अब भी अगर हम इससे नीचे जीतते तो हमारी बहुत बड़ी रेकू लगनी भी चाहिए सर, अगर काम नहीं। अगर सच्चाई कहूंगा मैं, चेयरमैन साहब ने चेयरमैनी लड़ने के वक्त जो वादे किए थे जी, वो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल जुलमे छोड़ते हैं अपने। अच्छा, वो दूसरा केजरीवाल है। अच्छा, केजरीवाल मतलब इतनी सफाई व्यवस्था खराब है, नाली खराब है हमारी, सड़क बनी है अभी से खराब होनी शुरू हो गई है। इन सारी अच्छाई जैसे आप बता रहे हैं, समीकरण क्या बनता है? समीकरण तो देखो बीजेपी के ऊपर जो चला भाई, चावल लिख लो कितने से समझाइए जरा। नहीं, यो नहीं मैं कह सकता अंदाजा। फिर वोट तो डल गया, सबने अपनी अपनी कोशिश के अनुसार वोट भी डाला, घरों से बाहर भी निकले। परसेंटेज कम हुआ बहुत, वो दोनों ही बिरादरियों को हुआ, उसमें हिंदू भी कम में आगे, मोहम्मद भी कम में आगे। जो तो परसेंटेज बढ़ा तो है नहीं, घटा है। फिर भी बीजेपी को किया है सर? बीजेपी को तो हमारी मजबूरी है। अच्छा, हमें कोई मतलब वो नहीं है कि बीजेपी हमें खाने को दे रही या पहनने को दे रही। सिर्फ पिछले जो योजनाएं आई या सरकारें आई, बिजली पानी से आदमी तरस रहा। 102 सीटों पर जो चुनाव हुआ है उसके अंदर 42 सीटें ये सी बताई जा रही है जहां पर तकड़ी फाइट नजर आ रही है आपकी। 102 के 102 सीटें क्लियर हो रही है, लेकिन 42 सीटों पर कुछ फाइट नजर आ रही है। आपने ये कहा है कि तकड़ी फाइट आ रही है जी, ये तो नहीं कहा कि इंडिया इतना आगे जा रहा है। आगे नहीं जा रहा है, इंडिया फाइट नजर आती है। फाइट नजर आ रही है ना, फाइट में हम निकलेंगे ना। बिल्कुल सही बात है आपका। लोगों का 6 लाख वोट है यहाँ पर, अगर हम उसका 60% लगाते हैं तो कितना बैठता है? 4 के आसपास बैठेगा। इकरा हसन 4.25 से स्टार्ट करती हैं, ठीक है। आगे के बाबू फैसल बहुत बढ़िया आदमी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और सबसे बड़े बात है वो सेकुलर हैं। उनके दिमाग में कभी भी हिंदू मुस्लिम का वो नहीं रहता है। हेलो गाइस, मैं अकरम खान, कैमरामैन इरफान कुरैशी वाजिद के साथ में एक बार फिर से अपने यूट्यूब मंच स्टार न्यूज इंडिया पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, पूरे भारत में चुनावी डंका बज रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 बड़े ही जोरों शोरों से चल रहा है। जहां मैं खड़ा हूं, ये केरला लोकसभा का एक क्षेत्र है, कांडला नगर पालिका परिषद कांडला है, जहां पर आज मैं मौजूद हूं। और मैं ये जानकारी लेने के लिए यहां पर आया हूं कि वोटिंग हो चुका है यहां पर प्रथम चरण का 19 तारीख को, कि किसको वोट हुआ है और क्या समीकरण जीत का बनता है, कितनी यहां पर वोटें पड़ी हैं, क्या समीकरण है, ये लोगों से ही जानकारी लेंगे हम आज। और इसी बीच जैन स्थानक पर मैं मौजूद था, और यहाँ पर मेरे साथ में आप देख सकते हैं जाने माने चेहरे हैं, बीजेपी की तरफ से कांदले को भी लीड करते हैं इलेक्शन में भी, कांदले बीजेपी की तरफ से स्पोक पर्सन भी आप इन्हें कहते हैं, मेरे चैनल पे 2-3 बार बात कर चुके हैं। तो अभी सीधा इनकी तरफ ही चलते हैं, डॉक्टर रश्मिकांत जैन जी की तरफ, उनसे ही बात करेंगे। स्वागत है सर आपका चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। पोजीशन देखिए, इस बार जनता ने मोदी जी को विकास के नाम से, भारतीय जनता पार्टी को विकास के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर, व्यापार के नाम पर और खुशहाली के नाम पर वोट दिया है। अच्छा जी, जी। और इस बार जो हमने नारा ले दिया था जी, इस बार 400 पार, वो हम 400 से कहीं अधिक जा रहे हैं। अच्छा, कुछ हमारा जो 19 तारीख का पोल हुआ है, इसमें हम सारी की सारी सीटें एक तरफा जीत रहे हैं। अच्छा, जो बिल्कुल
ये जो अभी 102 सीटों पर चुनाव हुआ है प्रथम चरण का, तो 102 में से 102 आपको लग रहा है बिल्कुल जीत रहे हैं। अच्छा सर, जैसा आपका क्षेत्र केराना लोकसभा है जहाँ पर हम रहते हैं, आप भी रहते हैं, यहाँ पर तकरीबन 10.5 लाख के अप्रोक्सी लमसम इसे मैं कह सकता हूँ, 17 लाख में से 10.5 लाख अप्रोक्स हुआ है, यानी कि 61% आसपास बताया जा रहा है। तो सर क्या लग रहा है इकरा हसन जी का यहाँ से 61% में, कुछ उनके समर्थक कह रहे हैं कि कम पोलिंग होने में हमारा फायदा है, क्या लगता है सर? देखिए दावे तो जब तक 4 जून नहीं आता दोनों पार्टी करती रहेंगी, लेकिन फैक्ट यह है हम चुनाव बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। थोड़ा सा समीकरण लोगों को समझाएंगे, जैसा कि 10.5 लाख वोट पड़ा है उसमें से 6 लाख जो मतलब टोटल वोटिंग में 6 लाख मुस्लिम वोट बताया जाता है यहाँ पर लमसम, उसमें से मुस्लिमों का तकरीबन अगर 61% पड़ा है तो वो 4 लाख के अप्रोक्स पड़ता है। देखिए बिल्कुल सही बात है, आपका लोगों का 6 लाख वोट है यहाँ पर, अगर हम उसका 60% लगाते हैं तो कितना बैठता है? 4 के आसपास बैठेगा। इकरा हसन 4.25 से स्टार्ट करती हैं, ठीक है, आगे कितना वोट बनता है? आगे तकरीबन वही 6 लाख, 6 लाख के करीब बनता है, जिसमें स्वर्ण आ गए, बनिया आ गए, सैनी समाज आ गया, कश्यप समाज आ गया, और आपका वाल्मीकि समाज आ गया, हरिजन समाज आ गया, ठाकुर समाज आ गया, इसमें लगभग जो भाजपा का कोर वोटर है वो आ जाता है इसमें। तो एक तरफ तो 4.25 लाख और एक तरफ 6.5 लाख, कितना गैप हो गया आप ही बताइए, 50 से भी ज्यादा हो गया, 50 से भी ज्यादा हो गया है। अच्छा सर, एक चीज और भी दिखाई दे रही थी, जैसे इलेक्शन के अंदर कुछ वीडियोज भी आ रहे थे, वायरल हो रहे थे, लोग जाते थे गाँवों में बातें करते थे, हमने भी बात की है, तो कुछ हिंदू गुजरों के अप्रोक्स यहाँ 2 लाख के करीब या 1.5-2 लाख के करीब 71 वोट उनकी है, 60% अगर लगाया जाए तो तकरीबन 80-90 हजार वोट पड़ता है। वो कहते हैं कि हम 50% वोट जो है वो इकरा की तरफ गया, हिंदू गुजरों का ऐसा कुछ नजर आता है? देखिए आजकल का वोटर बहुत ज्यादा प्रशिक्षित और सियाना हो चुका है, जो कभी खुल के कोई बात नहीं करेगा, खुल के कभी भी कोई बात नहीं करेगा, वोट दे के आएगा आपको बताएगा मुझे। अच्छा। ये आपने पिछले वाले इलेक्शन में देखा होगा, बिल्कुल नेता से ज्यादा होशियार हो गया है, वो करता कुछ है बताता कुछ है, तो सभी ने वोट एक तरफा कमल को दबाया है। कितने लाख से लग रहा है कि पिछली बार 92 हजार से जीते थे ये, उन्होंने खुद अपने मुंह से 1 लाख से ऊपर जीतेंगे इस बार हम, 1 लाख से बिल्कुल 1 लाख से आपको जीत नजर आ रही है, मतलब 1 लाख से ऊपर। अच्छा, राजपूतों का जो यहाँ पर थोड़ा जोड़ तोड़ सा नजर आ रहा था, योगी जी भी 2 बार योगी जी को आना पड़ा इसी कारण से, तो क्या ये कुछ इफेक्ट पड़ेगा? देखिए जब परिवार बढ़ता है, जब परिवार बढ़ जाता है तो दो बर्तन जब होते हैं तो आपस में टकराते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि मनभेद अलग होता है और मतभेद अलग होता है, हम उनके मनभेद हो सकते हैं लेकिन मतभेद कुछ नहीं है, जब यूनिटी होती है तो सारा का सारा परिवार एक जगह ही जाता है। 102 सीटों पर जो चुनाव हुआ है उसके अंदर 42 सीटें ये सीट बताई जा रही है जहां पर तकड़ी फाइट नजर आ रही है, आपके 102 सीटें क्लियर हो रही है, लेकिन 42 सीटों पर कुछ फाइट नजर आ रही है? आपने ये कहा है कि तकड़ी फाइट आ रही है जी, ये तो नहीं कहा कि इंडिया इतना आगे जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है, इंडिया फाइट नजर आती है, फाइट नजर आ रही है ना, फाइट में हम निकलेंगे ना, फाइट में हम निकलेंगे बिल्कुल श्योर है हमने। अच्छा सर, कांधला चेयरमैन ही अप्रोक्स 1 साल हो गया है, बिल्कुल कांधला के निवासी हैं तो जुड़े रहते हैं राजनीति से, कितना आपको लगा है कि 1 साल में जो वादे हुए थे दो? देखिए मैं आपकी बात मान चुका हूँ, सुन चुका हूँ, मैं एक बात कहूंगा शायद किसी को बुरी भी लग सकती है, वो बात लगनी भी चाहिए सर, अगर काम नहीं, अगर सच्चाई कहूंगा मैं, चेयरमैन साहब ने चेयरमैनी लड़ने के वक्त जो वादे किए थे वो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल जुल में छोड़ते हैं अपने, वो दूसरा केजरीवाल है। अच्छा, केजरीवाल मतलब इतनी सफाई व्यवस्था खराब है, नाली खराब है हमारी, सड़क बनी है अभी से खराब होनी शुरू हो गई है, पानी की सप्लाई रोजाना खराब रहती है। उन्होंने जीतते ही एक ट्वीट किया था कि मैं बहुत बड़ा गेट कांधे के अंदर बनवाऊंगा, अगर आपने देखा हो आज तक आपने उसकी देखी कोई फाउंडेशन रखी है? कोई भी नहीं रखी। अब उन्होंने ये भी वादा किया था अगर कोई काम नहीं होगा सरकारी बजट से तो मैं अपना पैसा खुद का लगाऊंगा, मैं इतना संपन्न हूँ, कहीं आपने देखा उन्होंने कोई एक रूढ़ी भी लगाई हो? अब तक तो सर सरकार की तरफ से लगता है वो, तो उन्होंने वादा किया था ना कि अगर सरकार पैसा नहीं दे रहा है तो मैं सक्षम हूँ, उसको मैं पूरा करूंगा, लेकिन अभी तक धरातल पे क्या नजर आया? धरातल पे तो कुछ भी नहीं, एज इट इज चल रहा है, पुराने वाले से कहला जाएगा। इस बार बाबू फैसल ने बीजेपी को समर्थन दिया है जी, उन्होंने अपने घर बुलाया और वीडियो भी बनवाई और कहा भी कि मोदी जी की काफी तारीफ भी की है, कांग्रेस को काफी घसीटा उन्होंने अपने इंटरव्यू में, तो क्या उन्होंने एक आशंका भी जताई है कि अगर अगली बार ऐसा हुआ है कि हमें टिकट मिल सकता है, क्या लगता है मोमडन को टिकट मिल सकता है? अगर बाबू फैसल बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छे इंसान है और सबसे बड़ी बात है वो सेकुलर है, उनके दिमाग में कभी भी हिंदू मुस्लिम का वो नहीं रहता है, हिंदुओं में बैठना है मुसलमानों में बैठना है,
अगर बाबू फैसल खुल के सामने आते हैं और बीजेपी को पूरा सपोर्ट करते हैं अपने समर्थकों के साथ, तो बीजेपी को कोई बुराई नहीं है उनको टिकट देने में, स्वागत है उनका। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, काफी बातें की हैं आपने हमसे, समीकरण भी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कुछ क्या नाम है सर आपका? आदेश जैन साहब, क्या कहना चाहोगे? जैसा वोट डल गया आपके इलाके में? भाई वोट तो डल गया, सबने अपनी अपनी कोशिश के अनुसार वोट भी डाला, घरों से बाहर भी निकले, परसेंटेज कम हुआ बहुत, वो दोनों ही बिरादरियों को हुआ, उसमें हिंदू भी कम में आगे, मोहम्मद भी कम में आगे, जो तो परसेंटेज बढ़ा तो है नहीं घटा है, वो दोनों को ही वो नुकसान दे है। अच्छा। जो परसेंटेज कम हुआ वो दोनों को ही नुकसान दे है, अब वो पता नहीं ऊँट इस तरफ कम हुआ या उस तरफ कम हुआ। अच्छा, जैसा एक कास्ट है, जैसा कुछ तो बीजेपी से जुड़ी हुई ऐसी कास्ट है जो बीजेपी को ही वोट करती है, जिसमें कि जैन समाज हो गया, ब्राह्मण समाज हो गया, और जो ऊंची जाति हो गई, वो सब उसमें समार है कि वो वोट करती है हिंदू की तरफ से। लेकिन अब इस बार यहाँ पर मायावती ने भी अपना एक हिंदू कैंडिडेट उठाया था, क्या समीकरण इससे बदलेगा? कुछ नहीं, बेकार है वो। मतलब अगर कैंडिडेट जीत का हो तो मायावती की तरफ को जा सकते थे। अच्छा। जब कैंडिडेट ऐसा लग रहा भाई जीतता तो है ही नहीं है। अच्छा। भाई मैं भी हूँ, कल को अगर कैंडिडेट में उठता हूँ और आप भी उठ रहे हो, अब मेरी पलटा कमजोर है तो आप तो आप ही मुझसे तो जाओगे। बिल्कुल। मायावती का कैंडिडेट कोई ताकतवर नहीं था, कमजोर था सिर्फ एक चेहरा मायावती। और रही बीजेपी की, बीजेपी मोदी के नाम पे वोट कर रही है, न कि प्रदीप के नाम। अच्छा। प्रदीप से हमारा कोई संबंध नहीं है। और रही प्रदीप की खामियों की, पिछले दिनों में जी। जो उन्होंने खामियां रखी जी। आने वाले दिनों में ना रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा। क्योंकि उन्होंने तो कहीं जनता को ना राम ना रहीम, ना किसी गली में, ना किसी मोहल्ले में, ना आए ना गए। अभी कांगले में इतना बड़ा हादसा हुआ बस स्टैंड पे, उनके परिवारों को ही कम से कम दिलासा देने आ जाते तो उनको भी अच्छा लगता, कल को परिवार उनका भी है, वो मेरा भी है, तो उन्हें आना चाहिए। वोट तो आपने फिर भी बीजेपी को ही किया है सर? बीजेपी को तो हमारी मजबूरी है। अच्छा। हमें कोई मतलब वो नहीं है कि बीजेपी हमें खाने को दे रही या पहनने को दे रही, सिर्फ पिछले जो योजनाएं आई या सरकारें आई, बिजली पानी से आदमी तरस रहा जी। बिल हमें भरना, सरकार नहीं भर रही, कोई नहीं भर रहा, कोई हमें मुफ्ती बिजली नहीं दे रहा, बिल्कुल पानी मुफ्त नहीं दे रहा, पैसा दे रहे, जितना पैसा दे रहे उसका इस्तेमाल कर। बिल्कुल सही बात है। पहले 2 घंटे बिजली आ गई थी, अब 24 घंटे बिजली है, 24 में 18 घंटे तो मुस्तकिल है, 18-20 घंटे वो मेरे ख्याल से हिंदू घर नहीं चलने के लिए, सबके चल रही है, मुस्लिम घर नहीं चलती, दोनों ही पार्टी घर चलती, उसमें बच्चे छोटे मेरे भी हैं, आप लोगों के भी हैं, नींद आपको भी लेनी, नींद मुझे भी लेनी, ये सुकून को देखते हुए, सुकून को देखते हुए। और अच्छा, क्या लग रहा समीकरण जैसा वोट डल गया, मुसलमानों का सुनने में आ रहा है अभी जैसा जैन साहब ने कहा के 4.25 लाख से स्टार्ट होती है इकरा, अब क्या बनेगा समीकरण? 10 लाख 10.5 लाख वो भी सारा पड़ा टोटल नहीं इकरा। देखो कैंडिडेट बहुत बढ़िया है, मैं इकरा की एक बात देख रहा जी। जब से उनके अब्बा जोर उसमें गए जेल में जी। जब से वो बिटिया अपनी कन्विंसिंग पूरी बराबर कर रही, उसकी वीडियो भी देखता हूँ मैं, उन्हें सुनता भी हूँ, और उसके चेहरे पे तो मुस्कुराहट पूरे चेहरे, इलेक्शन में कहीं थकावट वाला चेहरा नजर नहीं आने व्यक्ति। अच्छा। जबकि मैं उसे नहीं जानता और शायद वो मुझे नहीं जानती, बाई फेस कहीं मिले ही नहीं, लेकिन उस बिटिया का वो दूंगा मैं उसे शाबाशी दूंगा कि वो कहीं थकावट में नजर नहीं आई। अगर किसी ने रात को आवाज मार दी कि वहां चलना बिटिया, वो जी भी चल। अच्छा, तो क्या लगता है इन सारी अच्छाई जैसे आप बता रहे हैं, समीकरण क्या बनता है? समीकरण तो देखो बीजेपी के ऊपर जैसे रहा भाई, चावल लिख लो कितने से, समझाइए जरा। नहीं यो नहीं मैं कह सकता, अंदाजा फिर भी नहीं, अंदाजा कुछ नहीं। कितने वोट से लग रहा है समीकरण? अब बताओ इसका क्या अंदाजा? अंदाजा आईडिया पिछली बार 92 से जीते थे, 92,000 लगभग, अब 10-5 हजार कमती बत्ती से हो जाएंगे। अच्छा, कमती बत्ती रहेगा वो, कमती बत्ती हो सके। बट फिर पिछली दफे तो हमारे जैन चौधरी साहब भी दूसरी तरफ थे, अब दूसरी तरफ होने की वजह से 92,000 जीते जी। अब तो हमारा गठबंधन है इनसे, तो अब भी अगर हम इससे नीचे जीतते तो हमारी बहुत बड़ी बेवकूफी है, तो ऊंचाई पे छूना चाहिए, और होना चाहिए जाहिर बात है, कम से कम 92 के जगह 1-52 तो होनी चाहिए, 1.5 लाख से आप मैं क्या कर रहा, 1-52 होनी चाहिए। अगर गठबंधन सच्चा है और हम सच्चे हैं तो वो में कहीं टूट भी तो नजर आएगी ना सर, आप वीडियो देखो 2-4 तो घर हो जाकर है, उसमें मेरे परिवार में भी हो सके हैं, मेरी 6 वोट है तो 5 ही पड़ी, 5 ही पड़ी भाई, एक बाहर है,
और रही यहाँ के चेयरमैन साहब की, अच्छा वो भी बताइए। हमारे मोहल्ले में पहले गाड़ी आई थी कूड़ा उठाने वाली, वो नहीं आ रही। क्यों? गाड़ी तो सब जगह घूम रही। नहीं घूम तो रही, सीधा मेरे ख्याल से जो हमारे पूर्व मेंबर साहब है लड्डे, उनके घर तक आम वापस निकल जा। आगे जगह नहीं है, गली जगह है, पहले भी गली वही थी, आज भी गली वही है। अच्छा, पहले छत्ते नीचे लावे थी, अब हरिकांत के मकान लावे और वापस चले जा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा जी? पता नहीं, कोई मतभेदी होगा या तो मनभेद है। तो आप तो चैनल के माध्यम से क्या करना चाहूंगा? मैं तो चेयरमैन साहब से कहूंगा, मैं निजी भी कहा, मतलब निजी भी कहा, आपके सवाल से भी कहाया, लेकिन कोई तवज्जो ही नहीं। मतलब चेयरमैन साहब हमारी निगाह में तो फेल है, जैसा हम उम्मीद ही लेकर रहे थे, नया लड़का है, नई बात है, और बहुत संपन्न परिवार है, और वाकई में संपन्न परिवार है, लेकिन नील बटे नील नजर आए। अभी केजरीवाल जी की खिताबी दी। हाँ, केजरीवाल वाले जुमले वाले हैं। तो अच्छा, जुमला खोर है कि जैसे लैम चूस केजरीवाल पकड़ा रहे, ऐसे उन्होंने पकड़ा दिया। इससे बढ़िया तो नरेश या वो मियाँ फैजल, फैसल बेग, मैं कहूँ फैसल बेग ज्यादा बेहतर थे, जबकि हमारे उसमें नहीं आते में, लेकिन वो इससे कहीं बढ़िया थे, हम कान पकड़ के ला सकते। तो कहीं ना कहीं दुखी है आप? दुखी हम तो चेयरमैन से। चलिए सर, बहुत बहुत बबले ही बढ़िया था। अच्छा, बबले से तो पहले बबले बढ़िया, मैं कह रहा बबले ही बढ़िया था। आपने इंटरव्यू पे काम दुखी है बबले से? समझे नहीं, दुखी कहा था, लेकिन हम कह रहा बबला ही बढ़िया था इससे। तो अच्छा, इनसे बबला भी अच्छा था? बबला भी अच्छा था, बढ़िया। कह रहा कूड़ा उठ जाए फिर बबला उठ जाए, लेकिन कूड़ा अगर आपके यहाँ से उठने लगे फिर तो ठीक है, तो सोचेंगे बढ़िया घटे कहने की, दोबारा मिलेंगे आपसे, मुलाकात होगी। चलते बसते रहे तो तुम्हारे से फिर मुलाकात करें, फिर उसके बारे में कहेंगे, फिर तारीफ करेंगे, उसके लिए बुराई है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चेयरमैन साहब से भी गुजारिश करूंगा, लोगों की समस्याओं पर भी जरा सा ध्यान दें और लोगों की भी सुनते रहें। अब मैं वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा, दो चार लोग और भी मौजूद हैं यहाँ पर बाजार के अंदर, और उनसे भी बातें करूंगा। यहाँ पर एक और शॉप है, जरा इनसे बात करें। क्या नाम है सर आपका? जैन साहब, क्या माहौल लग रहा है? वोट तो डल गया आपके क्षेत्र में केरल लोकसभा में, अब किसका समीकरण पूछ रहा? टक्कर दोनों की है। कितने हजार में? 1000-2000 में होगी बस। पिछली बार तो 92,000 से जीते थे। बार की छोटे की बात करूँ, ऐसा क्यों लग रहा है? अच्छा अंदाजा 1000-2000 में होगी। मुस्लिम वोट तो कुल 6 लाख है टोटली, हो फिर भी इतनी कम से मार्जिन से ये गिरने जाए, गिरने जाते हैं। अच्छा, तो पोल जो हुआ कम हुआ वो आप ये मान रहे कि मुसलमान वोट डालने गया, हिंदू नहीं गया? मर्जी नहीं। अच्छा, आपके क्षेत्र से कैसे ऐसा आपको जता के भाई वोट डालने नहीं गए? कोई ऐसा बहुत आदमी ऐसे जो नहीं गए वोट? अच्छा, ये तो बीजेपी की वोट थी सारी, किसी की भी हो नहीं गए लोग नहीं थे। अच्छा, यहाँ से मायावती जी का क्या लग रहा, कितने हजार वोट मिल सके? मायावती सबसे ऊपर है, उसी सरवण की मिलने वाली है। अच्छा, सरवण मायावती का आदमी है खास। नहीं, आपको क्या लग रहा है कितने लाख कितने हजार मिल सके, कुछ है अंदाजा? मिलगी 5,000 से वोट, 1000 वोट का अंदर नहीं होगा मायावती। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समीकरण देने के लिए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सरवण कुमार अग्रवाल है जी। अग्रवाल साहब, क्या समीकरण जच रहा? वो समीकरण तो किनारे पे पड़े जी। अच्छा, किनारे पे है? अच्छा, कोई इंगा से पार हो जाए इंगा जाओ। तो कौन कौन किनारे पे है? तीन कैंडिडेट, प्रदीप चौधरी और यो केराने वाली, क्या नाम है इसका, इकरा। अच्छा, मुस्लिम वोट ज्यादा पड़ा या हिंदू वोट? मुस्लिम वोट ज्यादा पड़ा जी, 61% में मुस्लिम वोट ज्यादा। मुस्लिम ज्यादा हुआ क्यों, ऐसा क्यों? हिंदू हमारी खुद की तीन की वोट में एक डर गया। अच्छा, मैं खुद ही डाल गया की वोट। तो क्यों नहीं डाल गया आप वोट? हमारी मैडम जा रही थी बाहर, हमने हम खुद एक ही डाल गए। ये तो गलत हुआ, बीजेपी की वोट थी ये तो आपकी है। हाँ, मैं खुद ही एक वोट डाल गया अपनी। तो इसी को नुकसान किसको रहेगा, बीजेपी को रहेगा नहीं रहेगा इसका, जब वोट कम डाला? नुकसान नहीं है, सरकार तो आ जाएगी मोदी की। हाँ, पर सीट थोड़ी कम बत्ती आ सकती है, कम बत्ती आएगी। 405 जैसा बता रहे थे वो वाला, 405। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो गाइस, जिन लोगों ने वीडियो को देखा है उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, और आप काफी प्यार देते हैं, तकरीबन 6,500 अप्रोक्सीमेटली मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं, और आप लगातार मुझे प्यार दे रहे हैं। इतना प्यार की उम्मीद भी नहीं थी जितना आप दे रहे हैं, ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, और ऐसे ही फेयर न्यूज में आपको देता रहूंगा। मेरी क्राइम न्यूज में आप दिखाता नहीं हूँ, मेरी पब्लिक से रूबरू कराता हूँ। मेरा है चुनावी माहौल, आवाम की आवाज, जो भी माहौल होता है, जो भी देश के अंदर गुजरता है, वो माहौल मैं जनता से पूछता हूँ। और आज मैं मौजूद था केरला लोकसभा के कांधला के अंदर। तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक करें। धन्यवाद।